Assalamualaikum, good morning K2, how are you? I hope you all are fine. K2, आज मैं आपको उर्दू का एक नया लेसन, एक नया वर्ड बताऊंगी, ठीक है, कि हम उसको किसके साथ मिलाएंगे. और आज हम नए नए वर्ड्स भी पढ़ेंगे और जो पुराने वर्ड्स हैं आप लोगों ने कभी सुने होंगे उसको भी हम रिपीट करेंगे, ठीक है. ओके K2, टेक आउट योर उर्दू बुक एंड ओपन पेज नंबर ओपन पेज नंबर टू. आपको पता है ये कौन सा वर्ड है, ये क्या लिखा हुआ है, व्हाट इज दिस, आपको पता है ये क्या है, क्या है ये है अलिफ मद आ. पता है ना आपको, आप लोगों ने तो K1 में भी पढ़ा हुआ है कि ये क्या वर्ड है, ये क्या वर्ड है, ये अलिफ मद आ. आज मैं आपको बताऊंगी कि आप लोग सॉरी मैं भूल गई, ये तो वर्ड नहीं है, ये तो हर्फ है. हम तो उर्दू में हर्फ बोलते हैं ना, तो ये क्या है, अलिफ मद आ. क्या है ये, अलिफ मद आ. आज मैं आपको बताऊंगी कि अलिफ मद आ के साथ हम लोग कौन से वर्ड्स और भी और लगाएंगे तो क्या वर्ड बनेगा. आज हम न्यू वर्ड्स भी पढ़ेंगे और कुछ पुराने वर्ड्स भी पढ़ेंगे, ठीक है. ये क्या है व्हाट इज दिस अलिखमत आ. अलिखमत आ के साथ क्या मिलाएंगे, ये क्या बना हुआ है, किसी को पता है ये, कभी किसी ने ये खाया है, क्या है ये. वो ये तो समर फ्रूट है और ये तो सब खाते होंगे, किस किस के बाबा लेके आते हैं ये, और ये है क्या, मुझे तो नहीं पता, आप लोग मुझे बताओगे ये क्या है ये क्या बना हुआ है, ये तो कोई खाने वाली चीज लग रही है. हम लोग इसको देखते हैं कि इससे ये है क्या, ये क्या बना क्या हुआ है, ठीक है. क्या है ये, अलिफ मद आ के साथ क्या मिलाएंगे, मीम. अलिफ मद आ के साथ मीम मिलाएंगे. आई थिंक किसी ने भी नहीं देखी होगी क्योंकि अभी तो आप लोग बहुत छोटे हो. ये इसको बोलते हैं आरी. ये जो आरी होती है ये कोई भी चीज कट करने के लिए यूज होती है, हम लकड़ी की कोई भी चीज कट कर सकते हैं इसे, ठीक है. अलिफ मद आ रे छोटी री आरी. अलिफ मद आ रे छोटी री आरी. ओके नेक्स्ट वर्ड इज व्हाट इज दिस. किसी को पता है ये क्या है, ये क्या बना हुआ है, कभी किसी ने इसको खाया, ये क्या होता है, ये फ्रूट होता है, वेजिटेबल होती है. चलिए आज मैं आपको ये बताती हूँ कि ये क्या होता है, फ्रूट होता है या वेजिटेबल होती है. ओके ये वेजिटेबल नहीं होती, ये फ्रूट होता है. ये है क्या, लेकिन इसका नेम क्या है. चलिए मैं आपको ये बताती हूँ. अलिफ मद आ रे रे वाओ. वाओ का साउंड क्या होता है, ओ. अलिफ मद आ रेवाड़ू. अलिफ मद आ रेवाड़ू आड़ू. अलिफ मद आ रेवाड़ू आड़ू. ओके ये तो थे हमारे वर्ड्स. अभी हम मोर देखते हैं और देखते हैं कि अलिफ मद आ के साथ हम कौन कौन से और वर्ड्स मिलाएंगे, तो कौन कौन से नए वर्ड्स हम लोग आज कोई नए वर्ड भी सीखेंगे. के टू अलिफ मद आ के साथ हम लोग कुछ और हरूफ भी लगाएंगे और कुछ नए वर्ड भी बनाने सीखेंगे, ठीक है. अलिफ मद आ गाव. अलिफ मद आ गाव आग. किस किस ने आग देखी है, किसी को पता है, फायर. फायर बोलते हैं आग को. अलिफ मद आ गाव आग. अलिफ मद आ गाव आग. नेक्स्ट वर्ड इज अलिफ मद आ जीम. अलिफ मद आ जी आज. आज मीन होता है आज, अभी वाला, ठीक है. अलिफ मद आ लाम वाओ लू. आलू. वाओ का साउंड क्या होता है, ऊ. अलिफ मद आ लाम वाओ लू आलू. आलू आलू किसे बोलते हैं, आलू बोलते हैं पोटैटो को, ठीक है. अलिफ मद आ टे अलिफ्टा आटा. अलिफ मद आ टे, ये टे की छोटी शक्ल है ना. अलिफ मद आ टे अलिफ्टा आटा. नेक्स्ट वर्ड इज आंसू. ये क्या है, अलिफ मद आ नून. ये उनका सिरा, ठीक है. अलिफ मद आ नून सीन वाओ सीन वाओ सू. आंसू. आंसू क्या होते हैं, जब हम लोग रोते हैं तो आंसू भी तो आते हैं ना, उसको बोलते हैं आंसू. अलिफ मद आ नून सीन वाओ सू आंसू. K1 आप में K2 आपका समझ आई, मैंने आपको क्या पढ़ाया. हम लोगों ने वर्ड्स पढ़े हैं अलिफ मद आ के साथ हम कौन कौन से वर्ड्स मिलाएंगे, तो कौन कौन से वर्ड कौन कौन से हरूफ मिलाएंगे तो क्या क्या बनेगा. आज हमने कुछ नए हरूफ भी सीखे, कुछ पुराने भी सीखे. तो एक दफा हम इसको रिपीट कर लेते हैं, ठीक है. अलिफ मद आ मीम आम. अलिफ मद आ रे छोटी री आरी. अलिफ मद आ रे वाड़ू आड़ू. और भी वर्ड्स कुछ पढ़ते हैं. अलिफ मद आ घाप आग. अलिफ मद आ जीम आज.
अलिफ मद आ लाम वालू आलू, अलिफ मद आ टे अलिफ टा आटा, अलिफ मद आ नून सिन वाव सु आंसु। ओके केचू नेक्स्ट मूव टू द देन मूव टू द नेक्स्ट पेज एंड दिस वन पेज नंबर इज थ्री। पेज नंबर थ्री, व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस, किसी को पता है ये क्या है, इसे क्या बोलते हैं, क्या है ये? ये है बे। और बे से क्या क्या वर्ड्स बनते हैं आप लोगों ने तो पहले पढ़े ही होंगे ना, बे से क्या क्या वर्ड बनते हैं। बे से तो बिल्ली भी बनती है, बे से बाजा भी बनता है, बे से बकरी भी बनती है, और बे से क्या क्या वर्ड्स बनते हैं आप लोग मुझे बताओगे। ओके क्या है ये है बे, बे। और ये क्या लिखा हुआ है, ये क्या बना हुआ है, ये है बे की छोटी शक्ल। अब देखें बे की छोटी शक्ल के साथ हम लोग अलिफ मिलाएंगे और देखेंगे कि क्या वर्ड बनता है नया। ओके क्या है ये, बे अलिफ बा, क्या है ये, बे अलिफ बा। बे की छोटी शक्ल के साथ अगर हम अलिफ मिलाएंगे तो क्या बनेगा, बे अलिफ बा। नेक्स्ट इज बे, अब हम बे के साथ और कोई वर्ड मिलाएंगे और देखेंगे कि क्या बनता है। बे वाओ का साउंड तो आपको पता ही है ना क्या होता है, बेवा बू। बे बे के साथ वाओ मिलाएंगे तो बेवा बू, बे के साथ छोटी ये मिलाएंगे तो बे छोटी ये बी, बे छोटी ये बी, बे की छोटी शक्ल साथ में छोटी है, बे छोटी है बी, बे। बे के साथ जब बड़ी ये मिलाएंगे तो क्या बनेगा, बे बड़ी ये बे, बे अलिफ बा, बे वाव बू, बे छोटिये बी, बे बड़िये बे, बा बू बी बे। ओके नेक्स्ट इज देन मूव टू द नेक्स्ट नेक्स्ट वर्ड नेक्स्ट हरूफ, व्हाट इज दिस, क्या है ये। बे के साथ अगर हम अलिफ मिलाएंगे तो क्या बनेगा, बे अलिफ बा। और हम इसके साथ एक और वर्ड मिला देंगे तो क्या बनेगा, बे अलिफ बा पे बाप। बाप का मीनिंग क्या होता है, बाप कौन होता है, बाप होते हैं हमारे फादर, हमारे फादर को क्या बोलते हैं, बाप बोलते हैं। बे अली बा पे बाप। नेक्स्ट इज बे अली बा, हमने यहाँ पे पढ़ा है ना इसको, बे के छोटे छोटे के साथ जब हम अलिफ में लाएंगे तो क्या बनेगा, बे अली बा। नेक्स्ट बे अली बा, बे अली बा, बे अली बा बा बा। और जो ओके नेक्स्ट इज बे की ये छोटी शक्ल है, साथ में अलिफ में लाएंगे तो बे अली बा, और साथ में जब हम ते मिलाएंगे तो क्या बनेगा, बे अली बा ते बात। बात बात सबको पता है बात क्या होती है, जो हम अपने पेरेंट्स से किसी भी से जो करते हैं उसको बोलते हैं बात, बात करते हैं अपने पेरेंट्स से, अपने फ्रेंड से, सबसे बात करते हैं। बे अली बात के साथ और क्या मिलाएंगे, लाम, बे अली बा लाम बाल, बे अली बा रे शीन बारिश। बारिश पता है क्या होती है, बारिश होती है रेन। अभी हम आप लोग देखें यहाँ पे हम लोगों ने बे अली बा के साथ पे को भी मिलाया और ते को भी मिलाया, ला को भी मिलाया, शीन का भी मिलाया, और हमने देखा कि कौन कौन से वर्ड्स बनते हैं। बे अली बा पे बाप, बे अली बा, बे अली बा बा बा, बे अली बा ते बात, बे अली बा ला बाल, बे अली बा रे शीन रश बारिश। ओके देन नाउ मूव टू द नेक्स्ट वर्ड्स नेक्स्ट हरूफ नेक्स्ट वर्ड्स। बे अली बा, ये क्या बना हुआ है, किसी को पता है ये क्या है, क्या है ये, इसको क्या करते हैं, ये होता है बाजा, इसको बजाते भी हैं, इतना अच्छा इसका साउंड आता है। आप लोगों ने कभी इसे प्ले किया है, इसे तो प्ले भी करते हैं, ये तो ट्वाय भी होता है और ये बड़े वाला भी होता है। कभी आपके पास ये वाला ट्वाय है बाजा जो है, इसको हम देखते हैं कि इसको राइट कैसे करते हैं। बे अली बा जीम की छोटी शक्ल, ये जीम की छोटी शक्ल है ना, सबने तो पढ़े हुए हैं, सबने तो सबको पता ही है ना कि छोटी शक्ल जीम की कैसे बनाते हैं। बे अली बा जीम अली जा बाजा, बे अली बा जीम के साथ अलिफ मिलाएंगे तो क्या बनेगा, जा। बे अलिफ के साथ, बे के साथ अलिफ मिलाएंगे तो बा, जीम के साथ अलिफ मिलाएंगे तो जा बाजा। उसके बाद में क्या है ये क्या बना हुआ है, ये तो चाइल्ड है, किसी को पता है इसको उर्दू में क्या बोलते हैं। बे, बे की छोटी शक्ल, ठीक है, चे हे चा बच्चा। इसमें हमने क्या क्या वर्ड्स मिलाए, इसमें हमने बे की छोटी शक्ल मिलाई है, चे की छोटी शक्ल मिलाई है और हे मिलाया, तो क्या बना है, बच्चा। बे चे हे चा बच्चा। नेक्स्ट वर्ड इज व्हाट इज दिस, सबको तो ये पता है ना क्या होती है, सबने तो ये देखी भी हुई है, क्या है ये, बे की छोटी शक्ल, देन का बे का बक रे, बे का बक रे छोटी है री,
बकरी, क्या है ये? बकरी, बे का बक, रे छोटी री, बकरी। अब हम इसको एक दफा दोबारा रिपीट कर लेते हैं, ठीक है? बे अली बा, बे, ओके, क्या है ये? बाजा, बच्चा, बकरी। ओके केटू, अभी आप अपने मामा के पास बैठोगे, इसको लर्न करोगे और फिर मुझे बताओगे कि आप लोगों ने इसको लर्न किया है, आपको इसकी समझ आई है या नहीं आई। केटू, अगर आपको बिल्कुल किसी चीज़ की समझ ना आए तो आप फौरन पूछ सकते हो। ओके, गुड बाय।